एक इंसान जिसको सारी कलाएं बखूबी आती है वो है भारत के शायद सबसे बेहतरीन कलाकार, मेरे लिए तो सबसे बेहतरीन, मैं बहुत बड़ा फैन हूं जसप्रीत बुमराह का। जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी करी, जहीर आज फिर से 5 विकेट, पहली पारी में 4 थे इसमें 5, और सारे बड़े विकेट्स लिए उन्होंने। ऊपर से उन्होंने विकेट्स निकाले डॉम सिबली के, जैक क्रॉली के, जो रूट के, उसके बाद नीचे आकर उन्होंने विकेट लिया सैम करन का, जो एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है उस इंग्लैंड लाइनअप में, और फिर एंड में आते आते स्टुअर्ट ब्रॉड को तो अगली गेंद पर ही आउट कर लिया, और जिस तरीके से जेम्स एंडरसन को भी वो एक गेंद डाली थी, एक नो बॉल हो गई, लेकिन उसके बाद जो एक गेंद डाली थी वो भी ऐसा लगा कि शायद वो 3 विकेट ले सकते थे उस ओवर में। कितना प्रभावित आप उनकी गेंदबाजी से, और क्या आप क्योंकि उनको बहुत करीब से जानते हैं, कैसे प्रोसेसेस हैं उनके? जैसे हमने सुना था कि आईपीएल जाने से पहले यूएई में वो दोपहर में प्रैक्टिस करते थे कि उनकी बॉडी यूज टू हो जाए सराउंडिंग से, क्योंकि वहां गर्मी होगी। कैसा प्रोसेस रहता है उनका तैयारी करने का? चलो, विकेट तो आपने सारे गिना दिया, आपने बता भी दिया, विजुअलाइज भी करा दिया सबको कि कैसे आउट हुए क्या, तो मैं उसमें अभी बात नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जसप्रीत बुमराह हमेशा से ही एक मैच विनर है, और आज के इस मतलब इस मैच के पूरे परफॉर्मेंस से वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग अपने आप को फील करेंगे, इसके इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैच से पहले देखिए कैसे अटकलें लगाई जा रही थी ना, मतलब हमेशा आपको ऐसे ही देखना है कि क्षमता क्या है उनकी, और आप सिर्फ एक मैच दूर हो अच्छे परफॉर्मेंस से, तो वो लगन, वो ड्राइव नजर आ रही थी, उस तरीके की इंटेंसिटी इनकी पूरे मैच में नजर आई, पूरे इनिंग्स में नजर आई। कहीं पे भी एक होता है ना कि इस मैच में ना मतलब कुछ कर जाना है, और प्रमुख गेंदबाज तो ये है ही। मुझे बस ऐसे लगा कि जो इनका इर्द गिर्द जिस तरीके से विराट कोहली यूज कर सकते थे ना दूसरे गेंदबाजों को, थोड़ा सा और अगर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, और मैं जब ये चीज कह रहा हूँ तो मैं इस लहजे से कह रहा हूँ कि अगर आपको अटैक करना है, आप बेशक गेंदबाजों को कहिए कि आप बिल्कुल अग्रेसिव रहिए, बिल्कुल अटैक करने देखिए, लेकिन फील्ड की सजावट आप थोड़ी कुछ इस तरीके से कर सकते थे जिसमें आप हो सकता है 25 रन और कम चेज कर रहे होते 20 रन, तो वो एक चीज मुझे लगता है इस मैच की, इस पारी की जरूर सीख होगी। लेकिन बुमराह का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत ही जिस तरीके के जिस एक्सपेक्टेशन से ये हमेशा मैदान में उतरते, कुछ उसी तरीके से इन्होंने अपने आप को पूरे मैच में मेंटेन रखा। जहां पे भी ऐसे लगा कि गेम हाथ से निकल रहा है या बहुत एक मुश्किल घड़ी है, तो उस घड़ी में अगर कप्तान किसी को देख रहे थे ना तो वो बुमराह ही थे। तो ये दर्शाता है कि उनका किस तरीके का मैच रहा। विकेटों के आंकड़े तो आप एक खुद ही दास्ता बयां कर रहे हैं, तो नो डाउट ये बहुत ही एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, जो कि एक ऐसे पैच के बाद आया जिससे उन्हें खुद उसको चेंज करना था, उन्हें खुद अपने परफॉर्मेंस से सबको दिखाना था कि हाँ मैं बुमराह ही हूँ।